नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी है चिकन बिरयानी। ईद के मौके पर ये चिकन बिरयानी की रेसिपी खास आप लोगों के लिए है। आप ये ईद के मौके पर भी बनाइए और वैसे भी आप चाहें तो ये फटाफट बिल्कुल बनने वाली बिरयानी की रेसिपी है जो मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले एक गुजारिश है आप लोगों से कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक ये हांडी ले ली है और हांडी में 2 सर्विंग स्पून सरसों का तेल लिया है हमने, मस्टर्ड ऑयल। तेल को लेने के बाद इसे अच्छी तरीके से गर्म कर लें। तेल से जब धुआं आने लगे उसके बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट यानी अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे हाई फ्लेम पर हम 30 सेकेंड तक अच्छी तरीके से भुनेंगे। तो हम इसे भून लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरीके से भुन गया। अब हम इसमें प्याज डालेंगे, बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज। ये देखिए 6 मीडियम साइज़ की प्याज ली है मैंने और उसे बिल्कुल बारीक काट लिया है और अब उसको हमने इसके अंदर डाल दिया है। इसे अच्छी तरीके से आप मीडियम फ्लेम पर फ्राई करें तब तक जब तक कि ये प्याज गोल्डन ब्राउन कलर की नहीं हो जाती है। तो ये देखिए ये हो गई हमारी प्याज, बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है। ये देखिए अब इसके बाद हम इसमें चिकन डालेंगे। तो ये डाल रहा हूँ मैं इसमें 800 ग्राम चिकन। एक पूरा चिकन लिया है मैंने छोटा जो नॉर्मल होता है और 1 किलो का, उसमें 800 ग्राम मीट निकलता है। तो ये 800 ग्राम चिकन मैंने इसके अंदर डाला है। चिकन को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद हम इसमें अपने ड्राई मसाले जो हैं वो डालेंगे। फ्लेम को लो कर दीजिए। सबसे पहले इसमें 1 टीस्पून हल्दी का पाउडर डाला है। इसके बाद हम इसमें 1.5 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। उसके बाद हम इसमें 1.5 टीस्पून ही धनिया का पाउडर डालेंगे यानी कि कोरिएंडर पाउडर। तो ये डाल दिया मैंने इसमें धनिया का पाउडर। और इसके बाद हम इसमें एक स्पाइस मिक्स डालेंगे जिसमें 1 टेबलस्पून बिरयानी मसाला और 1 टेबलस्पून हमने चिकन मसाले का इस्तेमाल किया। बिरयानी मसाला मैंने घर पर बनाया है, अगर आप कहेंगे तो इसकी रेसिपी भी मैं आपको दे दूँगा। तो ये डाल दिए हमने मसाले। इसके बाद हम इसमें स्वाद के हिसाब से नमक डाल लेंगे। इसी स्टेज पर आपको जितना नमक चाहिए वो आप डाल लें। ये देखिए नमक हो गया। इसे आप एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। ये अच्छी तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद हम इसमें टमाटर का पेस्ट डालेंगे। बिरयानी बना रहे हैं, बिरयानी बनाते समय इसमें पानी बिल्कुल नहीं डलता है और हमारे मसाले नहीं जलें। तो ये लीजिए जी 5 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं मैंने, उनका पेस्ट बनाया है और उसको इसके अंदर डाल दिया है हमने। अब इसे आप अच्छी तरीके से मिक्स करिए। अब इससे क्या होगा टमाटर के पेस्ट से कि इसका फ्लेवर तो जो आना है वो आएगा ही और आपके मसाले भी इसके पानी में अच्छी तरीके से पक जाएंगे। तो ये देखिए इसे बढ़िया तरीके से मैंने मिक्स कर दिया है और उसके बाद अब हम इसे पकाएंगे। लो फ्लेम पर ये कुकिंग करिए आप ताकि चिकन में बढ़िया टेस्ट आए। इसे ढककर अब हम तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारा चिकन 80% तक कुक नहीं हो जाता है। जब तक हमारा चिकन तैयार हो रहा है, ये 750 ग्राम बढ़िया बासमती राइस लीजिए आप, लंबे दानों वाले ये लिया है मैंने। इसको आप लगभग 1 घंटे तक पानी में सोख करके पहले रखें, भिगो कर रखें और ये हम मुझे इसको भिगोए हुए 1 घंटे हो चुके हैं। तो अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तो हम फ्लेम को पहले ऑन कर देंगे और उसके बाद इसमें 2 टीस्पून हमने ये नमक डाल दिया है। ध्यान रखें पानी जो है वो आपके जितना आपने चावल लिया है उसका लगभग 6 गुना आप पानी लीजिए। और ये देखिए इसमें हमने इसको मिला दिया और अब हमारा चावल पकना शुरू हो जाएगा। चावल को हमें 90% तक कुक करना है, चावल को हमें पूरा नहीं कुक करना है क्योंकि आप बिरयानी बना रहे हैं तो हम इसमें दम भी लगाएंगे जब हम चावल को चिकन के साथ के मिक्स करेंगे। तो ये देखिए ये चावल अब बिल्कुल तैयार हो गया है। इसे चेक करने के लिए आप एक चावल का कोई दाना ले लें और उसे आप हाथ से दबाएं, बिल्कुल ज़ोर से दबाएं तो आपका चावल जो है वो बिल्कुल पका हुआ होगा लेकिन बिल्कुल भीतर की तरफ 2-4 दाने इसमें ऐसे होंगे जो अभी भी हार्ड होंगे। तो इसका मतलब कि आपका चावल 90% तक कुक हो गया है। तो ये देखिए इसमें जो नीचे बिल्कुल अंदर की तरफ 2-4 दाने हैं वो थोड़े कड़े हैं और बाकी हमारा राइस 90% कुक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस चावल को हम एक स्ट्रेनर में छान लेंगे ताकि इसमें का सारा पानी निकल जाए। तो ये चलिए हम इसको छान लेते हैं। ये देखिए ये एक स्ट्रेनर है, इसके अंदर मैंने ये सारा का सारा चावल
पलट दिया है, इसका सारा पानी निकल जाएगा, ये देखिए, और आपका राइस रेडी है। ये हो गया हमारा राइस, ये देखिए। और इसके बाद अब चलिए हम एक बार चिकन को चेक कर लेते हैं। राइस को थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे, और ये हमने चिकन का ढक्कन हटाया। इसे बीच बीच में मैं चलाता रहा हूँ, तो आप चिकन को एक बार ढक के छोड़ ना दें, उसे बीच बीच में चलाते रहें। तो ये देखिए, अब हमारा चिकन 80% तक कुक हो गया है। चिकन को पूरा नहीं पकाइए, क्योंकि आपको दम लगाना है, उसमें भी चिकन पकेगा, और चिकन को हम नीचे की तरफ ही रखने वाले हैं, तो चिकन को 80% तक ही हमने कुक किया है। ये हमारा चिकन तैयार हो गया। अब इसमें हम 2 टीस्पून केवड़ा वाटर मिलाएंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया खुशबू देगा आपकी बिरयानी को। तो इसमें 2 टीस्पून के करीब मैंने केवड़ा वाटर मिलाया है। इससे ज़्यादा केवड़ा वाटर नहीं मिलाएं, नहीं तो वो कड़वा करेगा आपकी डिश को। इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। ये इसे चलाकर अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। अब आपको ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम आपको मिनिमम कर देनी है, जो सबसे छोटा बर्नर है उसकी फ्लेम मिनिमम करके और उसके ऊपर इसको रखना है। और उसके बाद अब हम इसमें चावल डालेंगे ऊपर से, जो हमारा 90% तक कुक्ड राइस है। ये देखिए, बिल्कुल दाना दाना अलग है इस चावल का, और पकने के बाद 100% कुक होने के बाद भी ये बिल्कुल ऐसा होगा जैसा बिरयानी में राइस होना चाहिए। तो ये देखिए, स्पैचुला की मदद से ये सारा राइस मैंने इसके ऊपर डाल दिया है, और इसे हम अच्छी तरीके से इसके ऊपर फैला देंगे। ये राइस को अच्छी तरीके से फैला दिया है, ये देखिए। और अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे। अगर आप चाहें तो फूड कलर नहीं डाल सकते हैं, अगर आपके पास केसर है तो उसे गर्म दूध में डालकर वो भी आप डाल सकते हैं फूड कलर की जगह, तो फूड कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, ठीक है। तो ये हमने इसमें डाल दिया थोड़ा फूड कलर। उसके बाद ये कुछ फ्राई अनियन रखे हैं हमने, लंबी लंबी प्याज काट लीजिए और उसको डीप फ्राई कर लीजिए ब्राउन होने तक, उसे काला नहीं करिए। तो ये मैंने कुछ प्याज ऑलरेडी ब्राउन करके रखी थी, उसको इसके ऊपर डालेंगे हम। और हरी मिर्च के फ्लेवर के लिए हम क्या करेंगे, कुछ खड़ी हरी मिर्चें लेंगे हम, और इन्हें चावलों के बीच में ऐसे फंसा देंगे हम। तो ये देखिए, एक हरी मिर्च हो गई, और ये कुछ और हरी मिर्चें मैं ऐसे चावल के अंदर डाल देंगे। ये डाल दिया हमने, हो गया जी। अब हम इसमें दम लगाएंगे, तो इसके ऊपर आप ढक्कन लगाएं जो कि बिल्कुल टाइट हो, एयर टाइट हो, जिसमें से कि गैस लीक ना करे। और 15 मिनट तक इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक करिए, उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर दीजिए, और 15 से 20 मिनट उसको खोलिए नहीं, उसे वैसे ही छोड़ दीजिए। और उसके बाद जब आप खोलेंगे तो ये देखिए क्या खूबसूरत शानदार बिरयानी बनकर तैयार है। और ये बिल्कुल सबसे आसान तरीका है चिकन बिरयानी बनाने का, जिससे कि कोई भी अब चिकन बिरयानी बना सकता है। और ये देखिए, एक परफेक्ट बिरयानी की खासियत ये होती है कि जब आप उसको उठाएं तो उसका एक एक चावल का दाना जो है वो बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए। तो ये देखिए, आप जैसे जैसे बिरयानी को उठाएंगे, चावल के दाने बिल्कुल एक एक दाना अलग अलग होगा। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करें और उसके बाद इसे सर्व करें। आज की रेसिपी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और एक बार और आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।